अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये साइकिल जो है ना दोबारा से घर पर आ गए हैं और ये रहा जी न्यू वाला रिम। तो ये साइकिल कब घर पर आया है और क्यों घर पर आया है, इसका रीज़न जो है ना आप लोगों को अब्बू ही बताएँगे। साइकिल तो घर पे आ गया लेकिन अब्बू को जो है ना उनकी नौकरी वगैरह नहीं मिली है, तो अब्बू जो है ना फिलहाल घर पे हैं और अम्मी की भी तबीयत सही नहीं है। अम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रात को इतनी कोई शदीद अम्मी की तबीयत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी। और हमारे घर पे आपको पता है गैस वगैरह भी नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि अम्मी को काढ़ा वगैरह इंसान बना के दे दे। ये टोकरा जो है ना खाली हो गया है, तो अभी बर्तन वगैरह हम धो लेते हैं। सुबह सुबह उठ के तकरीबन 6 बजे मैं उठी हूँ और अम्मी का पता नहीं अम्मी कितने बजे उठी है, तो नाश्ता वगैरह जो है ना अम्मी ने बना लिया था क्योंकि गैस अम्मी उठी है 4 बजे सुबह 4 बजे। हाँ, और हमने जो धमाका किया है आज। परवीन यार मेरी दवाई वगैरह दे दो। मैंने क्या पूरी घर पर ढूंढा एक दवाई है ना, मैंने आपको पूरी दे दी थी, नहीं है दवाई यार। फिर भी शॉपर में देखो दवाई वगैरह नहीं मिलती है, रिपोर्टे में होंगी तो होंगी, नहीं तो और कहीं भी नहीं है। किरण से पूछा मैंने, पूरा घर जो भी थी मैंने आपको यहाँ से सारी थैलियां देख ली, सारी थैलियां मैंने देख ली, एक आपकी रिपोर्टे बच रही है। उसमें होगी परवीन, मुझे उम्मीद है कि मेरी दवाइयाँ बची हुई है। तो पता है कल भी मेरा पेट खराब हो गया था और मेरे कपड़े जो है ना खराब हो गए थे, पेट खराब होने की वजह से। मैंने कहा था पता है ना मेरी चीज है, उस दिन ये कह रहा था दवाइयां मुझे दे दो, मैंने पूरी थैलियां देखा जो थी दे दी, बस मैं कह रही थी ना आपको दर्द की दवाई वगैरह नहीं है, और दर्द की दवाई नहीं है, एक और कह रहा वो नहीं है, जो मिल गई है पूरी मैंने वहां से निकाल दी। मैंने बोला है ना मुझे पता है ना मेरी दवाई की बची हुई ये है 522 रुपए की डब्बी पूरी, और ये है 654 रुपए की। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो, ठीक हो? हमारी वीडियो पूरी देखा करें और आगे लिंक शेयर कर दिया करें ताकि हमारे व्यूज जो है बढ़ जाए। तो अभी दवाई ढूंढ ली है, तो पानी देखी रात को मैं बोला था ना तुम्हें, तुम दवाई ले आओ, मैं भी बीमार तुम भी बीमार, मैं भी बीमार तुम भी बीमार, तो बिस्तरे में तुम भी गिर जाओगी, मैं तो कौन कमाएगा मेरी, आपको पता नौकरी वैसे ही नहीं है। हैं, आपने कहा बोला था, मैंने आपको बोला नहीं, मैंने तुम्हें बोला था, मैंने कहा आर्य को लेके साथ चली जाओ, मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तुमने आर्य को नहीं उठाया था, तुमने औलाद की बचत किया, वो जवान है, तुम बुरे हो। हाँ मैं बुरा हूँ, मेरा सर सारा चिट्टा हो गया, सर नीचे करे, हाँ बड़ा चिट्टा हो गया, जिगर की दवाई दो मुझे निकाल दे, मुझे खाल ये निकाल दे ना, पूरी खेल बना के भरे हुए हैं ये, परिवेश में दवाइयां हैं सारी कीमती हैं, वही इसमें खाली नहीं है, ये रही जिगर की दवाई जी, ये चेंज हो गई है दूसरी कंपनी की लेके, लेकिन फॉर्म दवाई वही लेती है, अरे चेंज हो गई है, जैसे पैराडोल है, पैरास्टामोल है, और बुखार वाली है कालपोल है, इसी तरह है। हम से क्या मेरी दवाइयां हैं पर नहीं, मुझे दे दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये और आ गई है, पहले लंबी लंबी थी, वो भी है लंबी वाली भी है, एक तो उठा लो एक मैं उठा लूंगा। कुछ फर्क पड़ रहा है टांगों में दर्द का, कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? अभी तो खैर बुखार है ना, उसकी वजह से कमजोरी चक्कर से आ रही, जिससे मैं दर्द हो रहा है, अभी तो नहीं पता चल रहा, जब तबीयत सही होगी तो पता चलेगा। बेड बोला कि काम कर रही है, ज्यादा कमजोरी नहीं लग रही है, पैराडोल खा के जाके काम कर लेती है लोगों का, वो बैठने तो नहीं देती है, जितनी काम है उतनी करवाती है, तो उससे डबल करवाती है।
तनख्वाह बढ़ाने का नाम नहीं है। ये अब्बू को बुलाते हैं, वो आप लोगों के साथ जो है ना साइकिल का भी शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है ये साइकिल कब, मैं जैसे काम से आई हूँ तो ये साइकिल जो है ना घर पे खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, कल उन्होंने फोन किया था कि आके जो है ना साइकिल वगैरह जो है ना लेके जाओ। पहले तो उन्होंने मतलब कि परसों वाले दिन मैंने बोला कि मेरी जो है ना तनख्वाह वगैरह बढ़ाए, तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे। आपको पता है पूरे घर का काम करता हूँ तो उसमें से 13,500 और उसमें से मेरी दवाइयाँ आ जाती हैं। मैं लोगों से बहुत ही बड़ी परेशानी में, घर चलाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि मुश्किल हो रहा है। आपको पता है महंगाई के दौर में 13,000 के अंदर इंसान का कुछ भी नहीं होता। और फिर भी मैं जो है ना किए जा रहा था। बेटी की भी दवाइयाँ हो गई, बीवी की दवाइयाँ हो गई, और बच्चों आपको पता है आए दिन जो है ना बीमार होते हैं, उन सब की मैं कर्ज ले लेके लोगों से कभी इधर से कभी उधर से पकड़ के इनका इलाज वगैरह कर रहा हूँ और खाना पीना चला रहा हूँ। उनको मैंने तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोला, उन्होंने बोला मजीद आपका काम जो है ना बढ़ा देंगे, उसके साथ जो है ना तनख्वाह वगैरह बढ़ाएंगे, मजीद काम करने की मेरे अंदर जो है ना हिम्मत नहीं है। तो मैंने बोला ऐसे अगर आप लोग मेहरबानी करें तो तनख्वाह वगैरह बढ़ा दें, कहने लगे ऐसे तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। तो मैंने फिर उनको जो है ना जवाब वगैरह दे दिया। मैंने कहा मैं कहीं और नौकरी वगैरह तलाश करता हूँ तो जहाँ मेरा जो है ना घर का जो है ना गुजारा वगैरह हो, मेरा गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन मैंने जवाब भी दे के बहुत बड़ी गलती की है। मसला ये है मेरे साथ कि जी एक तो बेटी की दवाइयाँ लेनी होती है, हर 2 हफ्ते के बाद मुझे अस्पताल जाना था दवाई लेने के लिए। अकेली कोई ये मेरी बेटी को जा नहीं सकती, अस्पताल यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो फिर कल उन्होंने कॉल किया कि ये आके ये जो है ना साइकिल वगैरह जो है ना आप आके जो है ना ले जाए। उस वक्त आप कहने लगी मैं गुस्से में थी तो मैंने साइकिल जो है ना वापसी वगैरह ले लिया था। और जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती उस वक्त तक आप अपने पास साइकिल वगैरह रखें। वो कहती है कि जब मेरा दिल चाहेगा मैं फिर भी अपना साइकिल जो है ना वापस वगैरह ले लूँगी। तभी इन्होंने अमानत के तौर पे फिर दोबारा दिया, अब उनका दिल जब चाहेगा तो ले लूँगी। तो ये साइकिल दिए तो एक शर्त भी तो रखी है। हाँ, उन्होंने कहा है कि इतवार के इतवार आएंगे और मेरे यहाँ जो है ना काम वगैरह करेंगे, और इतवार के इतवार जाऊँगा और काम वगैरह करूँगा। उन्होंने बोला कि एकदम जो है ना इसको निकाल देंगे तो मुझे भी इसकी ज़रूरत होती है काम करवाने की। पहले तो उन्होंने बोला मेरी गली मेरे घर की गलियों में भी नहीं घूमना, मेरा रास्ता भी नहीं देखना मेरे घर का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है मैंने कहा। और काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान भी हूँ, अफसोसा भी, अफसोस सोच कर मुझे टेंशन भी हो रही है। छोटे छोटे जी बच्चे हैं और कहाँ जाए इंसान, किधर जाए, कोई किसी का यहाँ पर आसरा नहीं। आपको पता है गाँव भी हम लोग छोड़ के आए हैं। ये जो है ना अब उठ के आया, अभी भी नींद में बैठा है। चाय है आसिफ उधर तलाजी में से, तकरीबन टाइम बताती हूँ आप लोगों को, इतना हो गया 8 बजे। 8 बजे उठ रहे हो? स्कूल की तो छुट्टी है। हाँ हाँ, आराम जो है ना रोने लगा था तो आरिफ जो है ना मोबाइल लेके गया था, तो बर्तन वगैरह मैंने रख दिए थे। अभी जो है ना दोबारा से बर्तन धो रहे हैं, एक तो सर्दी है ऊपर से ठंडे पानी में बर्तन जब धोते हैं ना तो हाथ बिल्कुल ऐसे जम गए हैं। बर्तन वगैरह धो लें तो उसके बाद सालन भी धो दिए, यहाँ गैस जो है ना फिर चला जाता है। बर्तन जो है ना धो लिए हैं, वो भी जो है ना चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मजीद अपने काम करेंगे। और ठंड जो है ना कोई इतनी ऐसी लगती है कि बर्तन धोए हैं, बर्तन नहीं धोए मैंने, जाके बर्फ़ में हाथ रख दिया अपना, इतने कोई हाथ जो है ना ठंडे हो गए मेरे। तो चूल्हा वगैरह ऑन करती हूँ, पहले हाथ की सिकाई करते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बाकी हम अपने मजीद काम करेंगे। फिलहाल अम्मी लोग भी घर पर हैं, ये अम्मी भी काम पर नहीं गई हैं। आज आरिफ लोगों की भी स्कूल की छुट्टी है, इनके भी सिलेबस वगैरह जो है ना लेने के लिए जाना है, तकरीबन 9 बजे से रख के दोपहर के 11:30 बजे तक। तो मैं 9 बजे जाऊँगी, इनके सिलेबस वगैरह भी स्कूल से जो है ना लेके आऊँगी, फिर देखते हैं कि इनका क्या रिजल्ट है और क्या नंबर आए हैं। तो उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में। गाँव में रखने या तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।